दीपक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और निवृत्ति मोटकरी परिवार का एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट थ्री लीव्स, ऊंची जीवन शैली का ऊंचा आनंद। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9823339180। हसनैन फाउंडेशनचा चौथा वर्धापन दिन नाशिक शहरातील जलसा लॉन्स येथे मोठ्या उत्साहात साजरा झाला। कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे उपस्थित होते। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी नगरसेवक सय्यद मुशीर आदींसह मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी दानवे यांनी सांगितले की मुस्लिम अशिक्षित आहे अशी देशात प्रतिमा करून ठेवली आहे। त्यांची ही प्रतिमा जाणीवपूर्वक बनवल्याचे प्रयत्न देखील झाले। पण आपल्या धर्मापेक्षा आपला देश महत्वाचा, आपला समाज महत्वाचा, ही सुद्धा भूमिका आपल्याला घ्यावी लागेल। म्हणून ही भूमिका घेत असताना हसनैन फाउंडेशनचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करेल। वाटतं हसनैन फाउंडेशनने नुसतं सत्कारापुरतं मर्यादित न राहता येणार का, या मुलांसाठी ट्रेनिंग करावं, या मुलांना वेगळ्या पद्धतीनं प्रशिक्षण द्यावं। आपल्या समाजातून आपल्या धर्माचे वेगवेगळे मुलं असतील, मुली असतील, वेगळ्या पद्धतीने आधुनिकतेकडे वळावे अशासाठी सुद्धा प्रयत्न करावं। आणि निश्चित त्यासाठी शासकीय मदत जी लागेल ते मिळवून देण्याचा मी सुद्धा या हसनैन फाउंडेशनला मनपूर्वक प्रयत्न करेल। शकील तांबोळी आणि यांच्या सर्व सहकार्याचं मी अभिनंदन करतो। ज्यांचा ज्यांचा गौरव झाला, निश्चित येणारा काळ सुद्धा आपला या समाजामध्ये आणखी मान वाढो, आपली प्रतिष्ठा वाढो, आपल्या माध्यमातून या समाजासमोर एक आदर्श उभारावं, अशा प्रकारचा आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करावा। अशा प्रकारच्या शुभेच्छा मी आपल्याला देतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माजी नगरसेवक सय्यद मुशीर यांनी कोरोना काळात फाउंडेशनच्या माध्यमातून गोरगरिबांपर्यंत अन्नाचे पॅकेट व इतर दैनंदिन लागणाऱ्या सुविधा देखील पोहोचवल्या। कोरोना काळात अनेक ठिकाणी फवारणी करून फाउंडेशनने समाजाच्या गरजा पूर्ण केल्या असे सांगितले। हनी भाई सर, हमारे होरा भाई, खासकर हमारे शरीफ भाई जो मुंबई से आए हैं, शकील तांबोली और शकील तांबोली के साथ साथ पूरी टीम, एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा। विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता इससे पहले कौन थे? अगर किसी को नाम होगा तो याद होगा तो प्लीज बताइएगा। चलो उससे पहले अगर किसी को याद होगा कि विधान परिषद के कोई नेता विरोधी पक्ष नेता थे, वो अगर कोई नाम किसी को याद होगा तो बताइएगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि विधान परिषद का विरोधी पक्ष नेता कैसा होता है, उसकी गरिमा क्या होती है, उसकी स्पीड और उसका विजन क्या होता है, ये हमारे अंबादास दानवे ने इस महाराष्ट्र को बताया। हमारे नेता साहब, आपका मेरा परिचय तो हुआ नहीं, मैं दो बार अपक्ष नगर से चुन के आया हूं, तीन साल से उद्धव साहब के साथ पार्टी में प्रवेश लेके काम कर रहा हूं, संगठन को जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं यहां पर। और आज इस देश की जो हालात है, ये इस कोई शिवसेना पार्टी का प्रभाव नहीं है, लेकिन जिस तरह से सारा इस देश में, इस पूरे भारत में उद्धव साहब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना के लोग कर रहे हैं यहां पर अमन और शांति के लिए जो शक्ति वो लगा रहे हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ हमारे लोगों के बारे में ये बताना जरूर चाहूंगा कि शकील तांबोळी और उसकी जो टीम इस शहर में काम कर रही है सर, ये गरीबों को अनाज देने से इन्होंने काम शुरू किया। जगह जगह पर ये लोग कैंप भराकर मेहनत करके गरीबों के लिए, और जहां जहां जो जो सोशल वर्क में, राजनीति में जो आज जरूरत पड़ती है, उन सारी चीजों को अंजाम देने का काम हसनैन फाउंडेशन कर रहा है। कार्यक्रमाप्रसंगी हसनैन फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष शकील तांबोळी यांनी मनोगत मांडताना विद्यार्थ्यांचा गौरव करून त्यांचे मनोबल वाढवण्याचा आम्ही फाउंडेशनच्या मार्फत प्रयत्न केलाय, भविष्यात त्यांच्याकडून चांगले कार्य घडावे अशी अपेक्षा करतो असे सांगितलं। अपने बल बूते पर अपनी मेहनत से बढ़ बढ़कर अपने बिजनेस को बढ़ाया, अपने कारोबार को बढ़ाया, और मैं यहां तक आने के बाद मेरी टीम को मैंने जमाया और उनसे कहा कि आज हम कुछ गरीबों की मदद करते हैं। मेरी टीम ने मुझे साथ दी, हमने कोरोना इस महामारी बीमारी में मैंने अपने कंधों पर, सब लोग जानते हैं ये बात को, मैंने अपने कंधों पर मैंने फव्वारा लेके हर मोहल्ले में फव्वारा मारा। जब ये बात बेटी की मैयत लेने के लिए डर रहा था, मेरी बीवी मुझसे कहती थी डरो मत, जाओ क्या होगा, आगे अल्लाह ने दो ही चीज दिखा, एक तो जिंदगी ने तो मौत, एक तो जिंदा रहेंगे तो मर जाएंगे, अपने लिए तो सब जीते दूसरों के लिए जी। मैं भी वो सोच के, मेरी अम्मी ने मुझे बताया बेटा सबके लिए जीना है, मैं वो रास्ते पर चला हूँ, सबकी मदद करता हूँ। मुझे एडवोकेट बाबा सैयद साहब का बहुत बड़ा सपोर्ट है, मेरी हर टाइम मदद करते हैं। जब हमको कोई चीज की जरूरत होती है हम उनके पास जाते हैं, सब भी साथ लेते हैं।
यावेळी प्रमुख पाहुणे व्यासपीठावर खतीबे शहर हाफिज हिसामुद्दीन खतीब साहब, नायब काजी शहर एजाज काजी, ॲडव्होकेट एजाज सय्यद, काँग्रेस अल्पसंख्याक सेलचे हनीफ बशीर अजीज पठाण, शिवसेना उपनेत्या शुभांगी पाटील, अल्पसंख्याक महिला प्रदेशाध्यक्ष देशमुख, मुस्लिम विकास मंडळ अध्यक्ष फरहत, आरक्षण समितीचे अजित पठाण, हसनैन शकील तांबोळी, समाजसेवक जुबेर हाशमी, अहमद काजी, शब्बीर तांबोळी, शोहेब शेख, फारुक मंसुरी, नासिर मनियार, इब्राहिम अत्ता आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालक जावेद इब्राहिम यांनी केले तर आभार हसनैन फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष शकील तांबोळी यांनी मानले. नाईन न्यूज महाराष्ट्रसाठी प्रतिनिधी इसाक कुरेशी.